So we are here with you with yet another video on an upcoming project that is coming up on Dwarka Expressway Sector 37D. So एक बहुत ही established, बहुत amazing एक builder का project आ रहा है, listed player है, transparent builder है बिल्कुल, बहुत अच्छी construction quality के साथ ही project आने वाला है. 37D में Signature Global is coming up with its first ultra luxury high rise project. So 37D आपको पता है sector middle का sector है, अगर हम Dwarka Expressway देखें 18 किलोमीटर का patch है तो I guess center में ये sector पड़ता है, which is well very well connected to CTR, SPR. वेरी वेल कनेक्टेड टू IGI एयरपोर्ट. अगर आपको दिल्ली जाना है आप 20-25 मिनट्स में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, IGI एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं. लेफ्ट अगर आपको CPR SPR की तरफ न्यू गुड़गांव कनेक्ट करना है या फिर आपको वर्कफोर्स एक्सटेंशन रोड जाना है या फिर आपको जयपुर की तरफ जाना है तो लोकेशन इज प्रीमियम, वेरी प्रीमियम लोकेशन. और लैंड एरिया ये जो रहेगा दिस इज कमिंग अप ऑन 16.5 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, यहाँ पे आपके 950 यूनिट्स आएंगी. सो 950 अपार्टमेंट्स पे आपके थ्री टाइपोलॉजीज होंगे, 3 BHK प्लस स्टडी, 4.5 BHK. तो साइजेस की अगर हम बात करें तो साइजेस स्टार्ट्स फ्रॉम 2300 स्क्वायर फीट टू 3100 स्क्वायर फीट. लोकेशन के जैसे मैंने बात करी कि बहुत अच्छे से कनेक्टेड सेक्टर है, इसमें आपको एक और जो एडवांटेज मिल जाता है दैट दिस सेक्टर इज कनेक्टेड टू ग्लोबल सिटी. ग्लोबल सिटी आपने सुना होगा, ग्लोबल सिटी की बातें चल रही है मार्केट में. यू नो 1000 एकर्स का लैंड पार्सल है वेर एन यू नो लग्जरी ऑफिसेज, प्रीमियम ऑफिसेज, प्रीमियम रेजिडेंसेज आर प्लान टू कम. सो वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा. 36A, 36B करें और 37D का ये अपना प्रोजेक्ट है सिग्नेचर का. इसके जस्ट अगर अपोजिट हम बात करें तो सेक्टर 88 आ जाता है विच इज अगेन अ कमर्शियल सेक्टर. तो यहाँ पे जो हैबिटेशन होने वाली है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होने वाली है, इट्स गोना बी नेक्स्ट लेवल. सो इंपॉर्टेंट थिंग इज प्राइसिंग, क्योंकि मार्केट में अगर हम सुनते हैं आज के टाइम में 17,000-18,000-20,000 की चीजें आ रही हैं. तो सिग्नेचर ने पहले अपने आपको एस्टेब्लिश किया इन अफोर्डेबल. अफोर्डेबल में सिग्नेचर ने बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया. अफोर्डेबल का कंसेप्ट था कि हर किसी के पास अपना घर हो, 20-25 लाख-30 लाख तक एक हर किसी के पास अपना घर हो. बट सिग्नेचर ने उस घर को तो दिया ही, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ दिया विद यू नो ऑपरेशनल और रनिंग कमर्शियल एज वेल विद इन द सोसाइटी, की आपको कई बार ना जाना पड़े, आपकी सारी बेसिक नीड्स वहाँ पे पूरी हो सके. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिग्नेचर ने आपको एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा दिया. तो सिग्नेचर की अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, अगर अफोर्डेबल 25 से ज्यादा सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गुड़गांव में है. रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीते बेहतरीन इनाम. तो किसी भी अगर अफोर्डेबल की बात करें तो 25 लाख का जो अफोर्डेबल बिका था तो वो आज जो ट्रेड होता है अराउंड 50-55-60 लाख में ट्रेड होता है. और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल का एप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे. सो पहले सिग्नेचर ने अपने आपको अफोर्डेबल में अपने आपको एस्टेब्लिश किया. देन दे हैव यू नो मूव टू लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट में वो मूव हुए. तो उन्होंने अपने दीनदयाल के फ्लोर्स बनाए, 81 सेक्टर, 92, 93, 37D, 79B, यहाँ पे इनके लग्जरी फ्लोर्स आए. सोना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ग्लोबल पार्क 4, 5, 1, 2 वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया. डिलीवरी भी दी है बहुत सारे फ्लोर्स की, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अमेजिंग है. उसके अलावा आपको लो राइज में जिनका जाने का मन था उसके साथ उनको अमेनिटीज भी दी हैं, क्लब हाउस दिया है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करी. नाउ आफ्टर यू नो मेकिंग अफोर्डेबल, देन यू नो दीन दयाल 1.25 करोड़ का प्रोडक्ट, अब दे आर एंटरिंग इन टू द लग्जरी सेगमेंट. अभी उनका आपने देखा होगा IPO भी आया, IPO आया, शेयर लिस्ट हुआ, स्टॉक प्राइजेस यू नो हैज डबल्ड इन लाइक 3-4 मंथ्स. सो जिसने वो स्टॉक प्राइस भी लिया वो भी पैसा डबल करके दिया सिग्नेचर ने. तो बिकॉज वो भी इसलिए करके दिया बिकॉज कंपनी का विजन जो है वो बहुत अच्छा है एंड कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं. क्रेडिबिलिटी कंपनी ने पहले अपनी बनाई है मार्केट में, उसके बाद दे आर आस्किंग फॉर अ प्रीमियम. सो आज भी अगर हम बात करते हैं लग्जरी प्रोडक्ट जो आ रहा है इनका, इसके अंदर दे आर गिविंग 80,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस विच इज डिवाइडेड इनटू टू क्लब हाउस ऑफ 40,000 ईच. इसके अलावा आपको ट्रिपल हाइटेड लॉबी मिलती है, 2-2 फ्लोर अपार्टमेंट मिलता है इसमें जो इनका नया प्रोजेक्ट आ रहा है. देन यू गेट 270 डिग्री रैप अराउंड बालकनीज एंड मॉड्यूलर किचन आपको इसमें मिलती है. फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन होगी, इटालियन मार्बल होगा, VRV डक्टिंग होगी, ACs की. इट्स अ टोटली कंप्लीट लग्जरी प्रोडक्ट दैट इज कमिंग एट अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. लॉन्च प्राइस वुड बी समवेयर अराउंड 16,000 पर स्क्वायर फीट, बट आज जो आपको मिल जाता है कंपनी से 14,000 का प्राइस है. उसमें भी आपको 1,000 रुपीज़ का इनॉग्रल मिल जाता है एंड जो आपको नेट प्राइस पड़ता है वो समवेयर अराउंड 13,000 का प्राइस पड़ता है. और यहाँ पे आपको एक अच्छे बिल्डर का 3 करोड़ के अंदर में एक आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, अच्छी लोकेशन पर मिल रहा है, बहुत प्यारी लोकेशन है. अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें. वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.